बलिदान, त्याग और कुर्बानी के बाद मिली यह आजादी हम भारतवासियों के लिए उस पिंजरे में बंद पक्षी की तरह है, जिसे वर्षों की कैद के बाद पंख फैलाने के लिए खुला आसमान मिल गया हो। आजादी से जीने के मिले इस हक को अब 75 वर्ष हो गए हैं। इन 7 दशकों में जमाना बदल गया, तीसरी पीढ़ी आ गई। पहली पीढ़ी ने गुलामी की घुटन को महसूस किया था, दूसरी पीढ़ी ने वो दास्तान अपने बुजुर्गों से सुनी, मगर वर्तमान तीसरी पीढ़ी उस आजादी की कीमत भूल न जाए, इसलिए जान से भी ज्यादा प्यारी इस आजादी का जश्न मनाने के लिए भारत सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव का आगाज किया है। यह महोत्सव आज की इस युवा पीढ़ी को उन सपनों, आशाओं तथा अपेक्षाओं की याद दिलाएगा, जिसका सपना लिए स्वतंत्रता सेनानी भारत माँ के आगोश में समा गए। नमस्कार, राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर मैं आपके साथ हूँ आंचल वर्मा। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत महोत्सव का ऐलान किया, जिसके चलते लेह के गोगरा से स्टेचू ऑफ यूनिटी के लिए भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा पुलिस बल के 23 यात्रियों का एक दल साइकिल यात्रा के लिए रवाना हुआ। यह साइकिल यात्रा अलग अलग शहरों से 2700 किलोमीटर की यात्रा तय करके 27 अक्टूबर को स्टेचू ऑफ यूनिटी पर पहुंची। इस पूरी यात्रा के दौरान यह साइकिल यात्रा 17 अक्टूबर को राजस्थान में आबू रोड स्थित प्रजापिता ब्रह्मकुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर शांतिवन परिसर पहुंची, जहां त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव और संस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। शांति और सौहार्द का संदेश लिए निकले इन भारतीय सेना के जवानों का आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत इस शांतिवन परिसर में एक दिन का आवास हुआ। परमात्म शक्तियों से भरे इस वातावरण में उन्होंने कुछ पल असीम शांति की अनुभूति में बिताए। अगली सुबह आगे की मंजिल को तय करने के लिए तैयार साइकिल यात्रियों को मुख्यमंत्री विप्लव कुमार ने झंडा दिखाकर रवानगी दी। भारत माँ के सपूत और अमृत महोत्सव के दूत इन साइकिल यात्रियों का उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सदस्यों ने गुजरात सीमा तक साइकिल चलाकर उनका साथ दिया। शांतिवन परिसर के कॉन्फ्रेंस हॉल में राजयोगियों से भरी सभा को संबोधित करते हुए आईटीबीपी के डिप्टी कमांडेंट अजय शर्मा ने रैली के मकसद से सभी को अवगत कराया। तत्पश्चात त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर विप्लव कुमार देव ने नशा मुक्त त्रिपुरा बनाने के अभियान में ब्रह्म कुमारीज द्वारा मिले सहयोग की प्रशंसा करते हुए मोदी सरकार द्वारा आयोजित इस साइकिल रैली के सफल होने की शुभकामनाएं व्यक्त की। जैसे कि मैं बता रहा था कि हमारा जो मेन उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है, जैसे कि सरकार द्वारा जो भी कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, चाहे वो पर्यावरण की प्रोटेक्शन है, चाहे फिट इंडिया मूवमेंट है, चाहे स्वच्छता प्रोग्राम है, चाहे वाटर प्रोटेक्शन है, हम एक संदेश देना चाहते हैं हर एक देशवासी को कि जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने, शहीदों ने जैसे हमारे देश के प्रति योगदान दिया, अपना बलिदान दिया, आज वो दिन है कि हम एक देशवासी के रूप में, एक नागरिक के रूप में, एक फैमिली मेंबर के रूप में इन जो कार्यक्रम को चलाया जा रहा है उसके प्रति जागरूक हों, उसमें अपनी हिस्सेदारी दें और देश को मजबूत बनाएं। आपके संस्थान द्वारा बहुत ही बेहतरीन ढंग से समाज संस्कार की काम किया जा रहा है। 2018 में मेरे जैसा छोटे कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला है और उस समय मेरा एक नारा था, नशा मुक्त त्रिपुरा बनाना, माने ड्रग्स फ्री त्रिपुरा। इसमें मेरे कविता बहन जी और उनके टीम ने
मेरे बहनों लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, आज भी निभा रही है। और जेल में सुधार गृह में सरकारी तौर पे आप ही लोगों को बुलाया जाता है। कार्यक्रम के पश्चात सभी साइकिल यात्रियों को मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स में बने गॉडलीवुड स्टूडियो का अवलोकन कराया गया, जहां उन्होंने आधुनिक तकनीक से बने प्रीव्यू थिएटर में कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखे और स्टूडियो द्वारा विश्व में हो रही ईश्वरीय सेवाओं की जानकारी प्राप्त करते हुए पूरे स्टूडियो का जायजा लिया। आज 31 अक्टूबर देश के लौह पुरुष, भारत के पहले गृह मंत्री और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सभी रियासतों के एकीकरण के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। उनकी यह जयंती गुजरात के सरदार सरोवर बांध पर बनी स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा के पास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भव्य रूप से मनाई गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में एकाकार करके एक भारत का गठन किया। ठीक वैसे ही प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 140 देशों में अनेक धर्म, जाति, गरीब अमीर, छोटे और बड़ों को भी एक अध्यात्म से जोड़ने का महान कार्य कर रही है। विश्व में एकता स्थापित हो, इसके लिए समय प्रति समय ब्रह्म कुमारी संस्थान अनेक सम्मेलनों, अभियानों, राज्य शिविरों का आयोजन करती रहती है। तो चलिए आज हम सभी राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और ब्रह्म कुमारी की विश्व कल्याणकारी सोच से प्रेरित होकर समूचे विश्व में फिर से एकता स्थापित करने में अपने श्रेष्ठ कर्मों का योगदान दें। आज की पेशकश में बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।